How to fix OnePlus volume button not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में volume button not working problem सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर volume button काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर दोस्तों वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है तब तो फिर दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम और दूसरा सॉफ्टवेयर इशू। ठीक है, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं बेसिकली। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊँगा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड और कुछ सॉल्यूशन बताऊँगा हार्डवेयर के रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको कोई टेम्पोररी सॉल्यूशन चाहिए, मान लीजिए आपको वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है लेकिन आपको यूज़ करना है, वॉल्यूम्स कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ टेम्पोररी सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखें। अगर रिस्टार्ट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन रिस्टार्ट के बाद भी दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप मोबाइल पे चेक कीजिए कोई ऐसा बैड एप्लीकेशन तो नहीं है जो कि आपके फ़ोन को डैमेज कर रहा हो। तो अगर बैड एप्लीकेशन है, कोई भी अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशंस, कुछ ऐसा एप्लीकेशंस जो कि नॉर्मल नहीं है, उनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, उनको डिलीट कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आप दोबारा से चेक करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप मोबाइल को सेफ मोड पे एक बार रिबूट करके देख सकते हैं। पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए, पावर ऑफ के स्विच को 2 सेकंड क्लिक करके रखिए और सेफ मोड पे रिबूट आप कर पाओगे। ओके करना है, उसके बाद रिबूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों चेक कीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको करना है नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको जाना है सेटिंग पर, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों आपको सिस्टम पर जाके एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखना है। सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की वजह से ही आ रहा था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो वॉल्यूम बटन्स आप यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपका जो वॉल्यूम बटन है वो बिगड़ चुका है, हार्डवेयर इशू हुआ है, मोबाइल पे अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, अगर मोबाइल पे शॉर्ट सर्किट होते तो दोस्तों कोई बटन्स काम करना बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल चलते हैं। ठीक है, अंदर पे कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट लग जाते हैं छोटे मोटे, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको फिक्स करने के बाद सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उस शॉर्ट सर्किट के मदद वजह से दोस्तों आपका फ़ोन कम्प्लीटली स्विच ऑफ नहीं होगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वॉल्यूम बटन का भी दोस्तों यही रीज़न हो सकते हैं, काम जो नहीं कर रहा है, तो आप सर्विस सेंटर पर जाइए, टेक्नीशियन को बताइए कि ये प्रॉब्लम हुआ है तो वो फिक्स करके देगा। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा जो दूसरे मोबाइल था वन प्लस में ही दूसरे मोबाइल है वो, ठीक है, उसमें मेरा क्या ख़राब था, पावर बटन, तो उसका भी सेम ही रीज़न था बेसिकली। तो ऐसा ही गड़बड़ वॉल्यूम बटन के साथ भी होते हैं, तो मैंने भी दोस्तों अपना जो वॉल्यूम बटन है उसके अंदर पे जो रहते हैं उसको चेंज करवाया, तो उसके बाद सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों टेम्पररी सॉल्यूशन पे आते हैं। मान लीजिए आप अभी फ़िलहाल टेक्नीशियन के पास जा नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, ऊपर से प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको जाना है सेटिंग, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, सिस्टम पर क्लिक करना है, एक्सेसिबिलिटी पर जाना है, असिस्टेंट मेन्यू,
या फिर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अलाउ करना है, गॉट इट कर देना है। नीचे पे आपको मिलेगा असिस्टेंट मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम डाउन हो गया, ये हो गया वॉल्यूम अप, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम अप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ काम कर रहा है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए वॉल्यूम बटन के जगह पर। तो ये टेम्पोररी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन तो दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मिल जाएगा काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो टेम्पररी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार दोस्तों प्रॉब्लम अपने आप भी सॉल्व हो जाता है, तब तक आप वेट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। एंड देन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।